कुरुक्षेत्र जिला बार एसोसिएशन के 15 दिसंबर को होने वाले चुनाव अंतिम दौर में है। इस चुनाव में प्रधान पद हेतु मैदान में उतरे वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण कुमार गुप्ता और उनके पैनल के सभी उम्मीदवारों ने बार एसोसिएशन के सभी वकील सदस्यों से अपील की कि वे 15 दिसंबर को उनके हक में वोटिंग करें और उन्हें अपना वोट सपोर्ट और आशीर्वाद देकर कामयाब बनाएं। प्रधान पद के उम्मीदवार कृष्ण कुमार गुप्ता ने कहा कि वे बार की मजबूती के लिए और सभी वकीलों की बेहतरी हेतु कार्य करेंगे और बार एसोसिएशन के लंबित मांगों को पूरा करवाएंगे। कृष्ण कुमार गुप्ता पैनल के अन्य उम्मीदवारों में उप प्रधान पद के लिए मैदान में उतरे अंकित गौतम, महासचिव पद के लिए मैदान में उतरे रविंद्र सांगवान, सह सचिव पद के लिए मैदान में उतरे तुषार सैनी ने भी बार एसोसिएशन के सभी सदस्य वोटरों से अपना वोट सपोर्ट और आशीर्वाद देने की अपील की। कृष्ण कुमार गुप्ता ने पैनल को जिताने के लिए पूर्व प्रधान गुरतेज सिंह सेखों व अन्य वकीलों ने भी अपील की। भाई साहब, हमारी कोर्ट में मुझे ऐसा लगता है कि अब की बार जो हमारा चुनाव है वो मतलब चुनाव में मैं नहीं खड़ा, चुनाव एक हमारे सारे बाहर के जितने भी वोटर हैं वो अपने आप को कैंडिडेट समझ के मेरे साथ लगे हुए और उनका अब की बार रुझान है कि अब की बार हम एक मौका के एडवोकेट को देते हैं। देने की वजह ऐसा नहीं है, वो चाहते हैं बदलाव। दो तीन सालों से मैं देख रहा हूँ और हमारी बार के मेंबर भी देख रहे हैं, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई अच्छा काम नहीं हुआ। अच्छे काम से मेरा मतलब ये नहीं है कि बार का प्रधान बन गया उसने जी सफाई करा दी, कुछ और काम करवा दिया, ये कोई मुद्दे नहीं आते। जो पीछे मैनिफेस्टो देंगे उस मैनिफेस्टो में इन्होंने कोई भी अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। उन वादों में इन्होंने सर्वोपरि रखा था कि हम जो यूथ के बच्चे आते हैं इनको चैम्बर देंगे, किसी भी भाई को इन्होंने चैम्बर प्रोवाइड नहीं करवाया। यहाँ तक कि प्रोवाइड करवाना तो दूर की बात है, इन्होंने चैम्बर दिलवाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया। कम से कम प्रयास कर सकते, ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने। और दूसरी बात करते हैं हाउसिंग सोसाइटी की, हमारी बार रजिस्टर्ड नहीं है, इस तरफ इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। हमारी बार को रजिस्टर्ड करवाते, रजिस्टर्ड करवाने के बाद सरकार से अपील करते कि हमारे को हाउसिंग सोसाइटी बार की तरफ से बने, उसमें हर एक व्यक्ति को बार के निडी आदमी को एक मकान की जगह मिले। उसके अलावा की बात करें, लेडी एडवोकेट हैं जैसे हमारे यहाँ पर, उनके लिए कोई बैठने की अच्छी व्यवस्था नहीं है। कैंटीन की बात करें, कोई कैंटीन अच्छी नहीं है। कैंटीन में आप जाके देखेंगे चूहे कूद रहे हैं, फर्नीचर अच्छा नहीं है और यहाँ तक कि कहीं कहीं महीने कैंटीन बंद रहती है। अगर अभी बात करें टॉयलेट की, ये पीछे सामने 61 नंबर चैम्बर के पास टॉयलेट था, 9-10 महीने उस टॉयलेट का काम बंद रहा। अब इलेक्शन के दौरान इन्होंने लोगों को लुभावना सपना दिखाने के लिए उस बाथरूम को चालू करवाया। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं समझते, पढ़ी लिखी जमात है, हर चीज समझती है और इनको इस वोट की चोट से इनका सबक सिखाई। उन सभी से मैं अपील करना चाहूँगा कि जो यूथ एडवोकेट है, कि आप एक बार मुझे सेवा का मौका दें। मैं आपके लिए जो भरसक प्रयास होगा, जो जिस दौर से वो गुजर रहे हैं, ये दौर मुझ पर भी 15-20 साल पहले आया था, उस टाइम मुझे भी जरूरत थी एक चैम्बर मिले, मैं उनकी मजबूरी समझता हूँ। तो जो नया एडवोकेट आता है उसका दर्द मैं समझता हूँ, उसे चैम्बर की जरूरत है, थोड़े काम की जरूरत है। जब उसको बैठने की जगह होगी तब उसके पास काम आएगा। रही बात सीनियर की, अभी कुछ टाइम से मैं सुन रहा हूँ कि जो बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा में है, अगर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसके 1 लाख रुपये की मार्कशीट कटती है। उस 1 लाख रुपये को कम करवाने के लिए, मेरे तो कड़ा खराब हो रहा है, 1 लाख रुपया कम करवाने के लिए मैं खुद और अपनी टीम के साथ पूरा प्रयास करूँ। मैं सबसे पहले ये चाहूँगा कि बार और बेंच के बीच में संबंध है उसे बरकरार रखेंगे। बार का जो माहौल है उसे शांतिपूर्वक बनाए रखने के लिए वकीलों में भाईचारा कायम करेंगे और जो डिग्निटी है, वकीलों की डिग्निटी होती है, उसे मेंटेन करेंगे, उसे गिरने नहीं देंगे। बहुत ही अच्छे मार्जिन से गुप्ता जी और उनका पैनल इस इलेक्शन में विजयी होंगे और हम सभी वकीलों की फुल वोट सपोर्ट है उनको, तन मन धन से हम उनके साथ हैं। वकीलों से क्या अपील करें? हम वकीलों से अपील करेंगे कि सभी बढ़ चढ़कर इस इलेक्शन में गुप्ता जी का सहयोग करें और पूरे पैनल पर वोट डालकर पूरे पैनल को विजयी बनाएं। गुप्ता जी ने जब प्रोग्राम स्टार्ट किया और उन्होंने जो मैनिफेस्टो दिया उसके अंदर जूनियर वकील, पार्किंग की समस्या, तो उससे काफी लोग प्रभावित हैं और एक अच्छे भविष्य की कामना के साथ गुप्ता जी और उसके पूरे पैनल को भारी मतों से विजय बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और मैनिफेस्टो में उन्होंने ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए वकीलों की समस्याओं के,
जो कि उससे सारे प्रभावित हैं, इसलिए जो पैनल है उनका भारी मतों से जीतेगा पूरा। क्या अपील करेंगे वकीलों से? वकीलों से भी हमारी यही अपील है कि बार के भविष्य और उज्जवल भविष्य के लिए गुप्ता जी और उसके पैनल को बनाएं, ताकि सुरक्षित हाथों में है, उनके हाथ में भविष्य है बार का, और बार के बार और बेंच के लिए भी वो अच्छे काम करेंगे। मैं तो ये अपील करूंगा कि सभी अपने मतदान का प्रयोग करें और अपने लिए एक बहुत ही अच्छी एग्जीक्यूटिव का चुनाव करें। गुप्ता जी का जो पैनल है वो बहुत ही अच्छा पैनल है, और उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं वो हमारी जितनी भी समस्याएं, पार्किंग की हो, चैम्बर की हो, या हमारा बार रजिस्टर करवाने का हो, या किसी भी तरीके की हमारे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने का, वो सभी वो मांगे वो पूरी करेंगे, और बहुत ही अच्छे उनका पैनल है, सारे पैनल को जिताएं, मेरी ये अपील है।